और ट्राइबल वेलफेयर का नाम पे हजार करोड़ रुपया आते इन्वेस्ट होते त्रिपुरा में. त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो प्रिंसली स्टेट है जो 1949-15 अक्टूबर में इंडिया के साथ मार्च हुआ था और अभी इंडिया ही कहलाते हैं. लेकिन त्रिपुरा का जो इंडिजिनियस पीपल्स है उसका परसेंटेज 1951 का जो सेंसस है उसमें 90% था, लेकिन 1961 में वो आकर 37% में अटक गया और अभी 27% में रिड्यूस हो गया. तो त्रिपुरा का प्रॉब्लम ऐसा है कि त्रिपुरा का जो इंडिजिनियस पीपल्स है वहाँ बहुत समस्या है. जो इंडिजिनियस पीपल्स है उनका जो नेटिव पीपल्स है वहाँ पे बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तब हिंदू मुस्लिम का जब दंगा हुआ नोआखली से बहुत सारे बांग्लादेशी आया था. त्रिपुरा का राजा ने बहुत हेल्प किया था बीइंग ए ह्यूमैनिटी. लेकिन उसके बाद क्या हो उसको वोट बैंक बना के पॉलिटिसाइज करके सिर्फ त्रिपुरा के ऊपर पूरा प्रेशर डाल दिया गया. तो अब हम लोगों का ये सोचना यूथ का ये सोचना है कि व्हाई वी कैरी ओवरलोड बर्डन. द रिक्वायर्ड प्रॉब्लम इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ त्रिपुरा, इट इज इंडियन प्रॉब्लम. तो आप लोग यहाँ उन लोगों को जगह अगर देना चाहते हैं तो व्हाई यू शुड नॉट रीएलोकेटेड देम इन अमाउंट ऑफ 29 पीपल 29 स्टेट्स. तो ये हम लोगों का सवाल है क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. अभी डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट का हम लोग का क्वेश्चन नहीं है, हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल. क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल हम लोग का जो क्वेश्चन है प्रश्न है. तो डेवलपमेंट का बात तो आप सुनिए. त्रिपुरा में जो 30% जो एरिया है जो जनरल एरिया कहलाते हैं और 70% और त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काउंसिल है जो 1984-25 में बना था कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. तो उस आप देखा जाए तो जो ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया जो इंडिजिनस पीपल्स पॉपुलेटेड एरिया है उस 70% एरिया में बहुत हैरानी की बात है एक भी सिटी नहीं है, एक भी शहर नहीं है, एक भी बिजनेस सेंटर नहीं है. सिर्फ 30% एरिया जो बाहर से आए हैं उनका एरिया में ही डेवलप हो रहा है. और एजुकेशन का बात तो सुनिए, लोगों को खाने का पीने का कुछ नहीं मिल रहा है, नाला का पानी पीने पड़ रहा है. और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बात हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल ऑटोमेटिकली त्रिपुरा में हो रहा है त्रिपुरा के बीच में, क्योंकि खराब गंदा पानी पी के ऐसे ही मलेरिया से 100 बच्चे ऐसे ही मर रहे हैं. अभी 2011 में एक ही गांव का 112 बच्चा एक ही महीने में मारा गया था, लेकिन नेशनल मीडिया में कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ था. उसका थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बना के अभी नया गवर्नमेंट आ गया, बस अभी फिर शुरू हो गया. कुछ हम लोगों का कुछ फायदा नहीं हो रहा है. तो त्रिपुरा में कुछ फायदा नहीं हो रहा है जब रेशन कार्ड बनाने का आई कार्ड बनाने का सब पानी पीने का खाने का सब ज़्यादा समस्या है. और खुद हम लोग पढ़ लिख के भी हम लोग जान के भी एक स्कूल का शुरुआत किया है वो भी पॉलिटिकली नहीं गया तो स्टाइपेंड तक हम लोग को नहीं मिला है. स्टाइपेंड तक अभी नसीब नहीं हुआ है हम लोग का स्कूल को. बहुत सारे ऐसे और स्कूल्स है जिसको स्टाइपेंड तक प्रोवाइड नहीं हुआ है. बहुत बार कोशिश किया है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तक नहीं मिला. एक ही बोला ना एक ही बाद में हम लोग कर सकते हैं पूरे विस्तार से त्रिपुरा में क्या हुआ. कॉलेजेस पे गवर्नमेंट से कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ, बंदूक ले लिया, एनएलएफ की सरेंडर कर दिया. नो एम्बेसी जमा थी उसने इंडिया गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया तब जाके हम लोग को कॉलेज मिला. तो कुछ भी मिलने के लिए क्या पानी पीने खाने के लिए भी हम बंदूक उठाना जरूरी है क्या, क्यों ये नहीं हो रहा है.